आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास, बहुत ही हेल्दी और बहुत बहुत टेस्टी यानी संक्रांति स्पेशल मुंह में घुल जाने वाली एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। सबसे खास बात, ऐसी रेसिपी है कि जिसके अंदर आपको मालपुए का भी, गुलगुले का भी और लड्डू का भी तीनों ही टेस्ट मिलेंगे और बनाने में तो इतनी मजेदार कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। अभी मैं इस रेसिपी का नाम आपको नहीं बता रही हूँ, इसका नाम मैं आप पर छोड़ती हूँ। देखिए फिर आप मुझे बताइए कि इसका क्या नाम होना चाहिए। एक खाने के बाद आप दूसरा जरूर उठाएंगे, बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये विंटर स्पेशल सबसे टेस्टी फुली फुली रसीली मिठाई बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ लगभग 250 ग्राम गुड़। सिंपल जो देसी वाला गुड़ होता है ना, कोल्हापुरी गुड़, डार्क से कलर का होता है, ये मैंने वो लिया है, मिठाइयों के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ये गुड़ टेस्टी और हेल्दी भी होता है, इसमें कलर नहीं मिला होता। तो यहाँ पर आप पहले गुड़ को अच्छे से क्रश कर लें जिससे कि ये जल्दी से घुल जाए, समय कम लगे। तो इस तरह से मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कर लिया है। कप से बोलूं तो लगभग 1.5 कप के करीब वजन में 250 ग्राम गुड़ है। तो सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक पैन या कोई सॉस पैन ले लीजिए और सारा गुड़ उसमें हम डाल देंगे। गुड़ को सबसे पहले हमें मेल्ट करना होगा, यानी इसका एक पतला सिरप जैसे बनाना होगा। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे लगभग 2 कप पानी। अगर मैं क्वांटिटी से बोलूं तो लगभग 480 ml मैंने पानी लिया है। तो ये हो गया दूसरा कप। अब यहाँ पर हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को इतना हमें पिघलाना है कि बढ़िया से इसमें एक उबाल आ जाए और थोड़ा सा जो ये सिरप है हल्का सा गाढ़ा हो जाए, बस इतना भर। बहुत ही जल्दी गुड़ पिघल जाएगा। सर्दियों में गुड़ वगैरह बहुत फायदा करते हैं और सबसे अच्छी बात, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आसान तो है ही, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लुकिंग में बहुत सुंदर है, बच्चों को बहुत लुभाती है। तो घर में बच्चे बड़े सभी इसका एंजॉय कर सकते हैं और आपके लिए बनाना बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं कि गुड़ बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है, पूरा पिघल गया है। बस इसमें एक उबाल आने देंगे, बस इतना भर तक हमें इस सिरप को तैयार करना है। अब जैसे ये मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो चीनी को भी बस इसी प्रकार हमें मेल्ट करना होगा पानी में। और ये लीजिए एक उबाल आ गया है, तो बस इतना भर तक ही हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है। तो गैस को करेंगे बंद और गैस को बंद करने के बाद इसको इसी तरह पूरी तरह ठंडा होने देंगे। अगर आपको लगे कि आपके गुड़ में इम्प्योरिटीज हैं या गंदा है तो यहाँ पर आप एक बार छान भी सकते हैं। मेरा गुड़ साफ है तो मुझे जरूरत नहीं लग रही है, इसको मैं इसी तरह ठंडा होने दूंगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 कप चावल का आटा। चावल के आटे और गुड़ से बनी ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, आप खाते रह जाएंगे। तो ये हो गया 1 कप और उसी कप से 1/2 कप, यानी कोई भी मेजरमेंट के लिए कटोरी घर की आप सेट कर लीजिए या कप ले लीजिए, उसी अनुसार आप पूरा मेजरमेंट करें। साथ ही इसमें जाएगा उसको और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, जैसे हम रोज के पराठे रोटी बनाते हैं ना, बस यहाँ मैंने वही लिया है। आप चाहें तो यहाँ मैदा भी ले सकते हैं। अब मीठा बना रहे हैं, इसको टेस्टी और बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 कप नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। 1/2 कप ऐसे मान के चलिए 5 बड़े चम्मच मैंने नारियल का बुरादा लिया है। इसकी जगह पर चाहें तो आप ताजा नारियल भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। 2 पिंच डाल रही हूँ नमक, ये क्या करेगा कि फ्लेवर को इनहेंस करेगा। जो मीठी चीजें होती है ना उनमें जरा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है। अब सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, या इस तरह से विस्क करो ना घर में तो वो यूज कर लीजिएगा, और भी आसान हो जाएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, बिल्कुल इसमें लगेगा जैसे आप मालपुआ खा रहे हैं, लेकिन मालपुए वाली मेहनत नहीं है और बनाना एकदम सिंपल है। अब मान लीजिए आपके पास चावल के आटे की सुविधा नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं, सिंपल चावल लीजिए, एक बार सिर्फ पानी से धोइए, धो करके टॉवल पर डाल के सुखा लीजिए या धूप पर रख दीजिए, जब वो सूख जाए मिक्सी में डालिए, पीसिए और उसका पाउडर बना लीजिए, आपका चावल का आटा घर में ही तैयार हो गया। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी हमने गुड़ का घोल तैयार किया ना, धीरे धीरे करके हम इसमें डालते जाएंगे। जो गुड़ का सिरप था वो अभी हल्का ठंडा हो चुका है, तो उस स्टेज पर हमें ये बैटर को तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल बनाएंगे, मतलब ऐसे समझिए ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। इसको फेंटना बहुत ही बढ़िया तरीके से है, जितना बढ़िया आप इसे फेंट लेंगे उतने ही फूल फूल कर बढ़िया हमारे गुड़ पिट्ठा तैयार होंगे। बंगाल में इस फेमस रेसिपी को कहा जाता है गुड़ पीठा, आप अपने अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। अगर कम पड़ जाए सिरप, यहाँ पर थोड़ा सा आप हल्का गर्म पानी ऐड कर लें। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज्यादा पतली बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसी बस हमें रखनी होगी जैसे केक का बैटर तैयार करते हैं ना, रिबन कंसिस्टेंसी उस तरीके का। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसको फेंट लिया है और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, यानी कि जब हम इस तरह गिरा रहे हैं तो देखिए रिबन की तरह गिर रहा है, और गिरने के बाद
अपने आप ही नीचे शेप ले ले रहा है, उसी में मर्ज हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का हमें इसे तैयार करना है। और जो मैंने गुड़ का लिक्विड बनाया था ना, वो पूरा इसमें यूज हो गया है। तो अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, जैसे कि सब चीजें एकदम बढ़िया से सेट हो जाएं। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं, बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार हुआ है। और देखिए एक बार और बढ़िया से इसको फेंट लेंगे। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ गाढ़ा लगे तो हल्का सा गर्म पानी आप यहाँ पर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लें। और अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जब मैं ऐसे डाल रही हूँ तो नीचे जाके अपने आप फैल जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट बनाते हैं फूले फूले रसीले मजेदार गुड़ पिट्ठा। तो उसके लिए गैस पर मैंने पहले ही कढ़ाई को चढ़ा दिया था। ऑयल गुड़ पिट्ठा के लिए बढ़िया गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम हाई फ्लेम पर आपको ऑयल गर्म करना है। बढ़िया गर्म तेल में ही हम बैटर को डालेंगे, तभी जो वो पिट्ठा है वो बिल्कुल फूल फूल कर आएंगे। हल्के गर्म तेल में या बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, वरना एकदम पिट्ठा डालते ही जल जाएंगे। बस एक बड़ी चम्मच से या इस तरह से जो चमचा होता है ना घर में, बस इसको आप ले लीजिए और ऊंचाई से धीरे धीरे हम ये बैटर डालेंगे बिल्कुल इस तरह। और आप देख रहे हैं अपने आप ही वो शेप ले रहा है नीचे, अभी बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। ये देखिए अब ये पीठा अपने आप ही ऊपर आ गया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल चम्मच से इसके ऊपर भी हम डालेंगे, जिससे ऊपर भी बढ़िया एकदम इवन टेक्सचर और कलर आ जाए। ये देखिए बेहतरीन एकदम फूला फूला, खाने में बहुत ही मस्त होते हैं। मतलब ऐसी चीज है कि बच्चे हो या बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे, और आप कितने भी खाइए मन नहीं भरेगा। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स और देना चाहूंगी, जैसे अगर आपसे मान लीजिए कोई रेशो ऊपर नीचे हो गया है, आप पीठा डाल रहे हैं वो हल्का सा कहीं से फटा हुआ आपको लग रहा है, तो थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा थोड़ा और ऐड कीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे घोल को, तब भी जो पीठा है वो बहुत फूलते नहीं है। जिस कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही रखें। एक दो बार के बाद एकदम बढ़िया आपका हाथ सेट हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया आपके पीठा तैयार हो जाएंगे। ये देखिए परफेक्ट, आपके भी पहली बार में बहुत ही बढ़िया गुड़ पिट्ठा तैयार होंगे, हेल्दी टेस्टी, और जो इनकी लुकिंग है ना उसी से किसी को भी दिल आ जाएगा खाने का। अभी तो संक्रांति का पर्व भी है, जरूर बनाइएगा, पूरे परिवार को इस बार इस गुड़ पिट्ठा का सरप्राइज दीजिएगा। और बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरा पिट्ठा डालेंगे, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, परफेक्ट रेशो है, आप जरूर बनाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई सोडा नहीं, कोई बेकिंग पाउडर नहीं, सिंपल सी घर में रखी चीजों से एकदम बढ़िया स्वीट, जिसको आप पूरे महीने स्टोर भी कर सकते हैं। एक महीने भी ये पिट्ठा खराब नहीं होते हैं, तो आप इस तरह बनाकर रख भी सकते हैं। बस नीचे से भी इसको हल्का गोल्डन कलर आने देंगे और फिर पिट्ठा को निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं करेंगे, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस इस स्टेज पर जब बढ़िया गोल्डन हो जाए दोनों साइड से हम निकाल लेंगे। किनारे इसके बिल्कुल रेड रेड ऐसी गोल्डन रहते हैं, और ये इसी तरह से बनाया जाता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। अब मैं आपको बताती हूँ एक और ट्रिक, ये तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था तो मैं एक एक डाल रही थी। जैसे आपको ज्यादा बनाने हैं एक साथ, आप चाहे तो इसको गिलास से भी बना सकते हैं। गिलास में बैटर को भरिए और इस तरह से दो तीन एक साथ आप डाल दीजिए, गुड़ पिट्ठा आपके एक ही बार में तीन तीन चार चार भी बन सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम सारे ही गुड़ पिट्ठा तैयार करेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे झटपट बनने वाले यूनिक स्टाइल के गुड़ और चावल से बनी गुड़ पिट्ठा रेसिपी। खाएंगे तो मुंह में घुल जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से फूले फूले आपको जैसे देख रहे हैं, कलर इसका इसी तरह से लाल लाल एकदम बढ़िया लगता है। और ये देखिए मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ, है ना एकदम मस्त, मन कर जाएगा बनाते बनाते वक्त तक गर्मा गर्म खाने का, बहुत अच्छे लगते हैं इस ठंड के मौसम में, तो मजा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में लगेगा जैसे आप मालपुआ गुलाब जामुन ये गुलगुले खा रहे हैं। पूरे महीने के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठंडे हो जाने के बाद रख लीजिए एक एयरटाइट बॉक्स में, बहुत जल्दी ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आसान सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे, बनाने में भी मजा आएगा, और जो रेशियो जो टिप्स मैंने बताई है बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, जब आप बैटर को गर्म तेल में डालें उस टाइम पर फ्लेम को मीडियम हाई रखिए, जिससे कि गर्म होगा तेल, एकदम से गीला बैटर जाएगा वो उसको फुलाएगा। और दूसरी चीज, इसको उलटते पुलटते बहुत ज्यादा देर तक आप फ्राई ना करें, बाद में मीडियम कर दें फ्लेम को, जैसे गोल्डन कलर दोनों साइड से आ जाए आप इसे निकाल लीजिए।
वैसे तो ये रेसिपी हर जगह ही अपने अपने अलग रूप में बनाई जाती है, लेकिन बंगाल और साउथ में काफी फेमस है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में फटाफट बताइए कि कैसी लगी आपको आज की ये गुड़ पिट्ठा की रेसिपी और आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे। बहुत खुशी होगी, जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये झटपट बनने वाले गुड़ पिट्ठा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज 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 दिल खोल कर लाइक कीजिए, वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।